उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सिरसागंज क्षेत्र में युवती के साथ किए गए सामूहिक दुष्कर्म का मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है और समाज के लोग भी आक्रोशित होकर पुलिस प्रशासन से आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं बीते दिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिलाध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी काशीराम के जिलाध्यक्ष ने पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान जिलाध्यक्षों द्वारा पीड़िता के परिजनों को मामले में न्याय दिलाने जाने का पूरा भरोसा दिया गया, साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिए जाने का भी आश्वासन दिया गया। कल शाम को मेरे को मोबाइल के माध्यम मालूम पड़ा जी कि सिरसा खास में हमारी एक बहन के साथ में चार दरिंदों ने रेप करके बुरी तरह उसको घायल किया। उसके बाद मैं आज पीड़ित पक्ष के यहाँ आया हूँ और मैंने थाने में एसओ से बात किया तो एसओ साहब ने मेरे को कहा है कि तीन मुजरिमों को हमने अंदर कर दिया, एक मुजरिम अभी बाकी है, उस पर भी हम जल्द कार्रवाई करेंगे। सीओ साहब से भी मेरी बात हुई है, मगर मैं यहाँ के शासन प्रशासन पुलिस के आला अफसरों को खास करके निर्देश दे देता हूँ, निर्देश का इनको चेतावनी ही समझे कि जो ये आगे हम लोगों के पीछे जाके हमारी बहन के घर परिवार के लोगों को कहते हैं कि हम धारा 44 में बंद कर देंगे, आपके खिलाफ मुकदमा लगा देंगे, तो देखो ये तो इनकी तानाशाही रवैया इनका ठीक नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ यहाँ के पुलिस प्रशासन को, ये भीम आर्मी की बहन है, उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी है, ये भीम आर्मी की बहन है, अगर हमारी बहन के खिलाफ या बहन के परिवार के खिलाफ अगर आप अगर मुकदमा लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। भीम आर्मी दोस्तों के खिलाफ जैसे हमें अभी बताया है एसओ ने कि तीन आदमी बंद हैं, एक चौथे को बंद कर देंगे, और भीम आर्मी इनका जो कोर्ट में जो मामला विचाराधीन होगा उस मामले को भीम आर्मी निःशुल्क अपने वकीलों के माध्यम इस परिवार के साथ में निःशुल्क मुकदमा लड़ाएगी और जब तक इन दरिंदों को फांसी नहीं करा देगी तब तक ये भीम आर्मी चैन से नहीं बैठेगी, ये मैं आपको वायदा करता हूँ। पार्टी फिरोजाबाद जिलाध्यक्ष का संदेश और जो भी है, मुझे इस खबर के बारे में जब पता लगा, ये मेरे मामला इस संज्ञान में आया, तो मैं पीड़ित परिवार के घर पर ही मौजूद हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये है पीड़ित परिवार में अभी डर का माहौल है, भय का माहौल है। मैं प्रशासन से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मुझे ये भी पता लगा है कुछ लोग इन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको डरा धमका भी रहे हैं, और मुझको ये भी पता लगा है साथ जो एसओ साहब हैं उन्होंने भी ये कहा है कि आप भीड़ के साथ अगर आएंगे तो धारा 144 लगा दी जाएगी, आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। तो ये प्रशासन को भी मैं खुली चेतावनी देता हूँ कि आप हमको जब तक डराएंगे, आप में जितना है ये वर्दी का जो भी पावर है, ये रॉप है, इसको दिखाना बंद कर दीजिए, गलत पावर मत दिखाइए। और मैं ये चेतावनी देता हूँ प्रशासन को कि आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, भीम सैनिक इस भारत देश में बहुत हैं, हम संवैधानिक के दायरे में काम करेंगे और जब तक चैन से सांस नहीं लेंगे जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिल जाएगा। भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पे जहाँ भी उत्पीड़न होता है वो खड़ी रहती है, उसका एक एक सिपाही, जब तक न्याय हम अपनी बहन को नहीं दिला देंगे तब तक चैन से सांस नहीं लेंगे। ये और अगर हमारी सुनवाई यहाँ से नहीं होगी, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, पीड़ित पक्ष का एक भी रुपया खर्च नहीं होगा, वो केस भीम